हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी, मैं आज बहुत बड़ी खबर लेके आई हूँ। मोमिन सर का कहना ये है कि जो उत्तर प्रदेश में सीमा के हवाले सीमा हैदर का जो केस चल रहा है, पर्सनली तौर पे इस केस को वो रिजेक्ट करते हैं। अब क्यों कहा है मोमिन सर ने ऐसा? क्योंकि वो इतने जी जान से आज 4-5 महीने से इस केस की तह तक जाकर इतनी बारीकियों से हर चीज उसकी उत्तर प्रदेश के कोर्ट में पेश कर रहे हैं और इतनी सच्चाई इसके सामने, देश के सामने ला रहे हैं, इतने सबूत पेश किए जा रहे हैं कोर्ट में। पर ये केस है जो धीरे धीरे कछुए की चाल चल रहा है और इसमें अभी तक भी कोई बढ़ोतरी नहीं आई है, कोई एक अच्छा रिजल्ट निकल के अभी तक आया है। वो पर्सनली तौर पर इस केस को रिजेक्ट कर रहे हैं, इस इन्वेस्टिगेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में चल रही है आज लगभग 1.5 साल से होने आया है। क्योंकि आज उनको ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत, उनकी जो मेहनत के हिसाब से जो इस केस में बढ़ोतरी होनी थी या केस एक अच्छा रूप लेना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है उनको आज की तारीख में कुछ तो ऐसा मामला है जो ये केस इतना पीछे इतनी कम रफ्तार में क्यों चल रहा है, तो उनके भी समझ में नहीं आ रहा है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि मैं पर्सनली तौर पर इस केस को रिजेक्ट करता हूं। तो मोमिन मलिक सर का यही कहना है, क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों इसके जांच पड़ताल में इतना डिले कर रही है क्यों अभी तक इस केस की चार्जशीट पेश नहीं की गई है, क्यों अब तक इसकी चार्जशीट नहीं बनी है, 1-1.5 साल होने आया है, क्यों इस मामला में इतने डिले, इतना देरी हो रही है, इनको यही समझ में नहीं आ रहा। तो इस वजह से वो कहना चाह रहे हैं कि पर्सनली वो इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको वो पर्सनली तौर पर रिजेक्ट करते हैं। अगर यही केस अगर हरियाणा में लगा होता, यही इन्वेस्टिगेशन अगर हरियाणा में हुआ होता, तो 2 महीने के अंदर आज उसकी कोर्ट में सुनवाई होती और सीमा होती थी जेल के सलाखों के पीछे, चक्की पिसिंग होती। पर वो आज अभी जो लाइव में आके जो अपने चैनल पे चैनल बना रही है, ठुमके लगा रही है, सबको बुरा भला बोल रही है और मोमिन सर पे पर्सनल अटैक कर रही है, इसको और ये केस बढ़ोतरी दे रहा है। जो ये इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं हुआ, अभी तक इस पे चार्जशीट नहीं बनी है, यही चीज उसको बढ़ावा दे रही है सीमा हैदर को। और सीमा हैदर के पीछे ऐसा कौन है, क्यों इस तरह की ये हरकतें कर रही है, इसका क्या मतलब है इस तरह की हरकत करने का, इतना निडर बनने का, ये क्या चाहती है, ऐसा क्यों कर रही है, ये भी एक मोमिन मलिक का शक जाहिर किया है उन्होंने। और ये भी मोमिन सर का कहना है कि ये भी देखा गया है कि सीमा जब चाहे बाहर निकलती है, कभी एपी सिंह के साथ निकलती है, कभी सचिन के साथ निकलती है बाइक पर, तो क्या ये इसको किसने परमिशन दिया इस तरह निकलने का? हाँ, जहाँ इलीगल तरीके से ये भारत में आती है, जहां पर उसको कहीं निकलना है तो थाने में रिपोर्ट करना है, थाना में बताना है कि मैं यहाँ जा रही हूँ वहां जा रही हूँ, पर किसी को बताए बिना, थाना में एंट्री किए बिना वो कहीं भी चले जा रही है, ऐसा क्यों कर रही है, ये क्या समझती है? हाँ, और दूसरी बात, जैसे हर जिले में एक FRO ऑफिस होती है, जहां पर कोई बंदा अगर अलग कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है तो विजिट पे जाता है, तो उससे FRA ऑफिस में पर्सनली जाके एंट्री करानी पड़ती है, बताना पड़ता है कि मैं यहाँ से वहां जा रहा हूँ। तो ये तो इलीगल तरीके से आई है, ये किस तरह बिना बताए किसी को घर के बाहर निकल सकती है, सैर सपाटा कर सकती है, इसकी कहीं भी एंट्री नहीं है। उस दिन भी जो एपी सिंह के साथ उसने लिखी गई थी, जेवा कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाया था एपी सिंह और उसने मिलके, तो कहीं भी इसकी एंट्री नहीं है, कहीं इसने किसी को इन्फॉर्म नहीं की कि वो बाहर जा रही है, यहां जाएगी या वहां जाएगी। जब इसकी कोर्ट में अर्जी लगी रहती है तब तो वो आती नहीं है, भगौड़ी तब तो वो आती नहीं है, दुबक के घर में डर से बैठी रहती है, वो 10 सहारे के साथ निकलती है, एपी सिंह सचिन के साथ सहारे पे निकलती है। कहाँ है रघुपुरा की पुलिस, क्या कर रही है? उसके घर के बाहर 2 हवलदार हैं, एक लेडीज है एक जेंट्स है, क्या कर रहे हैं, क्या निगरानी रख रहे हैं इस पर? हाँ, ये क्या मांजरा है, ऐसा क्यों हो रहा है उनके रहते हुए? बल्कि घर में CCTV कैमरा लगाई है, हाँ लगाया गया है, पर घर में तो जो चाहे हल्ला हो रहा है, मस्ती हो रही है, शोर शराबा हो रहा है, जो डांस गाने, मतलब क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस?
क्यों ऐसा कर रही है, क्यों इसको इतना छूट देके रखा है, ये किसके बलबूते इतना उड़ रही है। एपी सिंह तो है ही उसका भैया जो रात में सैया, वो तो है, और कुछ और किसी लोगों की इसके पीछे हाथ है, ये मैं कहती हूँ। जो इतना ये बदतमीजी से उतरी है और बदतमीजी से हर चीजें कर रही है, मन में जो आए चीजें कर रही है। तो फ्रेंड्स, तो यही मैं बोलना चाहती हूँ, आप लोग बताइए, और मोमिन सिर भी यही जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इतना डिले इस केस में हो रहा है। हाँ, अब तक यही केस अगर हरियाणा में लगा होता तो अब तक ये केस बहुत कई अच्छा रूप ले लिया होता। तो इसी वजह से मोमिन सर ने कहा है कि अभी हम अगर जरूरत पड़ी है तो हाई कोर्ट में जाएंगे या इसमें आगे क्या होता, और बहुत जल्दी ये केस दी एंड पे है, भले चाहे वो कुछ भी कर ले। तो फ्रेंड्स, आप लोग ने भी नोटिस किया होगा, हमेशा देखो एक सीमा हैदर यही बोलती है, मैं मोदी सर के, योगी सर के शरण में आई हूँ, उत्तर प्रदेश के शरण में आई हूँ, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, योगी जी के शरण में आई हूँ। तो योगी जी और मोदी जी के शरण में आई है वो सबको दिख रहा है। तो क्या पर्सनली योगी जी और मोदी जी पर्सनली तुझे देख रहे हैं, पर्सनली तेरे केस को सॉल्व कर रहे हैं, पर्सनली तुझे उड़ने की इतनी आजादी दे रहे हैं जो हमेशा तू उनका नाम निकालती है? हाँ, दुनिया के लिए योगी जी और मोदी जी एक अलग रूल सेट करेंगे और तेरे लिए एक अलग रूल सेट करेंगे, ऐसा होता है क्या? जो घड़ी घड़ी तू यही दुहाई देती है कि मैं मोदी जी और योगी जी के शरण में आई हूँ, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। क्यों तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है? तू दूध की धुली है, तू हिंदुस्तानी है, तूने से कोई कांड नहीं की है, तू बिना कांड किए बैठी है, हम पागल है, हाँ हम चू लोग हैं जो तेरे पीछे बस हाथ धो के पीछे पड़े हैं, हाँ तेरे दुश्मन बने हैं, दुनिया को दुश्मन समझ रही है अपना, ऐसे करतूत करके इलीगल तरीके से आई है और दुनिया को अपना दुश्मन समझ रही है, घड़ी घड़ी योगी मोदी को बीच में निकालती है। मतलब दुनिया का कानून एक तरफ, हाँ, और योगी जी एक तरफ होके तुझे संभालेंगे, तुझे पनाह देंगे। क्यों क्यों? तूने गुनाह नहीं की है, तू इलीगल तरीके से नहीं आई है, तुझे सजा नहीं मिलेगी उनके हिसाब से, तुझे सजा नहीं मिलेगी क्या, बता। तो सीमा हैदर सुन ले एक बात, भगौड़ी सुन ले एक बात, तू किसका भी नारा लगा ले, हिंदुस्तान लगा ले, हिंदुस्तान जिंदाबाद, करोड़ों बार बार बोल ले, तेरे ये बोलने से हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं हो रहा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहे, ये हम जानते हैं, तुझे घड़ी घड़ी बोलने की जरूरत नहीं। तू कितना भी नारा लगा ले, कितने भी हमें बटर मस्का लगा ले मोदी जी और योगी जी को, जो कानून है कानून ही रहेगा। तो तू आखिर सलाखों के पीछे होगी, तेरे बच्चे तेरे से जुदा होंगे, हैदर उन्हें उड़ा ले जाएगा बच्चों को, तू रोती रह जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना, और आज जैसे मोमिन सर ने ये शक जाहिर किया है इस केस में इतना डिले क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।